तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2023 खत्म हो चुका है, अब बात 2024 की करेंगे। 2024 में क्या क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, किस टीम को किस खिलाड़ी के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि 2023 जो है निकल चुका है। बहुत सारी टीमों में कई कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बात केकेआर की करूंगा, उसके बाद में अलग अलग टीमों की सबकी वीडियोज आप लोगों के सामने बनाऊंगा, किस टीम को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, किन खिलाड़ियों को लेना चाहिए, 2024 के ऑक्शन में क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इन तमाम बातों को कर चर्चा 2024 को लेकर हम अब हर वीडियो में करने वाले हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले केकेआर की। केकेआर को लेकर देखिए किन खिलाड़ियों को केकेआर को अब टारगेट करना चाहिए। देखिए 2023 में कई सारे सवाल खड़े हुए केकेआर के लिए, कई सारे खिलाड़ियों पर सवाल खड़े हुए, कई सारे जगहों पर सवाल खड़े हुए। जैसे नंबर 3 का खिलाड़ी केकेआर को नहीं मिल पाया, श्रेयसी नहीं थे नंबर 3 का नहीं मिल पाया, निचले क्रम पर नंबर 6-7 पर कोई फिनिशर नहीं मिल पाया, कोई उस तरीके का ऑलराउंडर केकेआर को नहीं मिल पाया, रसल और नरेन उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए, अब्दुल ठाकुर नहीं कर पाए। गेंदबाजी के तौर पर केकेआर में कई सारे सवाल खड़े हुए, ओपनर्स के तौर पर भी केकेआर में सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं। अब इन सवालों का जवाब 2024 में खोजना पड़ेगा। 2024 में अगर खोजना पड़ेगा तो वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों पर नजर दौड़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी टीमें बहुत सारे खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली हैं, बहुत सारी टीमें करने वाली हैं। मैं ये भी बताऊंगा, हर टीम के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी टीम कौन कौन से खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, उसके बाद में चर्चा आप लोगों को सारी समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहां पर है क्या टारगेट प्लेयर 2024 में केकेआर किन किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है और कहां कहां उसको जरूरत है। सबसे पहले केकेआर को ओपनर्स की जरूरत है, ऊपरी क्रम पर केकेआर को जरूरत है, यह बात सीधी सी है। क्योंकि अगर आप जेसन रॉय और गुरबाज दोनों को खिलाते हैं तो आप विदेशी खिलाड़ियों के चंगुल में फंस जाते हैं, फिर आप ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों को नहीं खिला सकते, तो यहां पर केकेआर के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं, आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो आपके पास कोई इंडियन ऑप्शन होना चाहिए, एक जेसन रॉय हो गए तो आपके पास कोई दूसरा इंडियन ओपनर होना चाहिए, ये बेहतर होगा। फिर आपके पास विदेशी खिलाड़ियों के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, आपको गेंदबाज आप खिला सकते हैं, ऑलराउंडर्स खिला सकते हैं, स्पिनर्स खिला सकते हैं, मतलब आपके पास विदेशी ऑप्शन बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए केकेआर को क्या करना पड़ेगा, इंडियन एक ओपनर को, अच्छे ओपनर को तलाशना पड़ेगा। और इंडियन ओपनर कौन-कौन रिलीज हो सकते हैं, आप दिल्ली कैपिटल से पृथ्वी शो, ऐसे खबर है कि दिल्ली कैपिटल पृथ्वी शो को रिलीज कर सकती है इस बार, क्योंकि बहुत खराब प्रदर्शन पृथ्वी शो का रहा, सारे मैचेस खेले, कुछ मैचेस से बाहर भी हो गए, और मैनेजमेंट खबर यह है कि दिल्ली कैपिटल का मैनेजमेंट पृथ्वी शो से बहुत नाराज है। तो पृथ्वी शो के ऊपर टारगेट कर सकते हैं केकेआर। पृथ्वी शो हालांकि होनहार बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाज है, तेज तर्रार बल्लेबाज है, लेकिन 2022 उनका बहुत खराब गया, तो इसलिए पृथ्वी शो जैसे खिलाड़ी पर आप नजर जमा सकते हैं, पृथ्वी शो जैसे खिलाड़ी पर आप भरोसा जता सकते हैं, वो भविष्य के स्टार हैं, होने वाले। जैसे केकेआर ने शुभमन गिल को पहले छोड़ दिया था और शुभमन गिल अब किस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसी तरीके से पृथ्वी शो हो सकते हैं। दिल्ली कैपिटल ने उनको छोड़ा, अगर दिल्ली कैपिटल छोड़ती है तो हो सकता है कि वो केकेआर में आकर बड़े खिलाड़ी बन जाए। तो ऐसे में आप ऐसे होनहार खिलाड़ी पर दाव लगा सकते हैं जिसके अंदर टैलेंट है, तो आप पृथ्वी शो पर दाव लगा सकते हैं। उसके बाद में स्मिथ जो है ना, वो बहुत मेरे साथ स्टीव स्मिथ जो है वो बहुत अच्छे इस वक्त फॉर्म में और अच्छे खिलाड़ी भी हैं, एक अच्छे मतलब भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर। क्योंकि इस वक्त केकेआर की टीम को अगर मैं देखता, इस वक्त केकेआर की टीम में एक अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत थी। 2023 में केकेआर के पास कोई अनुभवी खिलाड़ी नहीं था, एक केवल खिलाड़ी थे, उसी के बाद में उसके बाद में फिर कुछ बेहतर कर आंद्रे रसल थे, आंद्रे रसल के अलावा कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो यहां पर सबसे बड़ी सवाल यह कि एक ऐसे आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए, अगर स्मिथ जैसा खिलाड़ी 2023 में होता तो केकेआर को उसका फायदा होता। स्मिथ जैसा तजुर्बेकार खिलाड़ी, कप्तानी का तजुर्बा, बल्लेबाजी का तजुर्बा, मैच का जिताने का तजुर्बा, तो स्मिथ जैसे खिलाड़ी पर केकेआर दाव लगा सकते हैं भविष्य के तौर पर। उसके बाद में देवदत्त पड्डीकल को खबर यह है कि राजस्थान उनको रिलीज कर सकती है। राजस्थान में इस बार उनका उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, खबर यह है कि राजस्थान देवदत्त पड्डीकल को रिलीज कर सकती है। अगर देवदत्त पड्डीकल को रिलीज किया जाता है तो देवदत्त पड्डीकल के पीछे केकेआर जा सकती है, यह एक बहुत बेहतर विकल्प होगा। ओपनर के तौर पर बहुत अच्छे विकल्प है, रन बनाने वाले हैं, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी हैं आपके लिए, वो भी बेहतर होगा, तो विकल्प आपके पास बढ़ जाएंगे। तो यहां पर पृथ्वी शो, स्मिथ, पड्डीकल, ये आप ऊपरी क्रम के खिलाड़ियों के तौर पर खिला सकते हैं। उसके बाद में एक अगर मैं ऑलराउंडर की बात करूं, अब बात ऑलराउंडर की करते हैं क्योंकि शार्दुल ठाकुर पूरी तरीके से फेल रहे, उसके बाद में आंद्रे रसल पूरी तरीके से फेल रहे, सुनील नरेन पूरी तरीके से फेल रहे, तीनों कुछ खास कमाल नहीं कर पाए ऑलराउंडर्स के तौर पर, तो आपको अच्छे ऑलराउंडर्स भी चाहिए। स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर खबर है कि ऋतिक शौकीन को मुंबई रिलीज कर सकती है, तो ऋतिक शौकीन जैसे खिलाड़ी को आप टारगेट कर सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी हैं, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों अच्छी कर सकते हैं, टीम इंडिया तक पहुंच अपनी बना चुके हैं, तो ऋतिक शौकीन जैसे खिलाड़ी को आप ले सकते हैं। ऋतिक शौकीन जैसा खिलाड़ी आपके लिए भविष्य का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि अभी नौजवान है, ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग हो गए, अभी बहुत लंबा करियर ऋतिक शौकीन का पड़ा है, तो आप अगर चाहे
चाहें तो उन्हें बना सकते हैं अपनी टीम के लिए, भविष्य के तौर पर अच्छा ऑलराउंडर बना सकते हैं, तो ऋतिक शौकीन पर आप दाव लगा सकते हैं। उसके बाद जेसन होल्डर, राजस्थान जेसन होल्डर को इस बार रिलीज कर सकते हैं, खबर है कि राजस्थान की टीम जो जेसन होल्डर को रिलीज कर सकती है। तो जेसन होल्डर जैसा अच्छा गेंदबाज अगर केकेआर के पास हो जाएगा तो मेरे हिसाब से फायदा होगा, क्योंकि केकेआर के लिए बल्लेबाजी निचले क्रम पर, जहां पर रसल नहीं चल पा रहे हैं, रसल जैसे तौर पर उनके लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी का विकल्प जेसन होल्डर शुरुआत में बहुत बढ़िया देते हैं, पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, डेथ ओवर के भी अच्छे गेंदबाज हैं, उछाल उनको मिलता है। तो जेसन होल्डर भी आपको अगर सस्ते में मिल जाए तो जेसन होल्डर का भी विकल्प आपके लिए बुरा नहीं है, जेसन होल्डर को आप अपनी टीम में ले सकते हैं। उसके बाद में एक मध्यम क्रम के बल्लेबाज के तौर पर आप राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ी को खिला सकते हैं, नंबर तीन नंबर चार जैसे खिलाड़ी के तौर पर या ओपनर के तौर पर भी राहुल त्रिपाठी को आजमाया जा सकता है। राहुल त्रिपाठी पहले भी केकेआर में रह चुके हैं, तो अपने दूसरे खिलाड़ी को, अपने पुराने खिलाड़ी को वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल त्रिपाठी को केकेआर के मैनेजमेंट का, महकमे का पता भी है, केकेआर भी राहुल त्रिपाठी के बारे में अच्छी बखूबी जानता भी है, और राहुल त्रिपाठी अच्छे खिलाड़ी भी हैं। आप अगर ओपनर, इंडियन ओपनर को भी तलाश रहे हैं तो राहुल त्रिपाठी भी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। राहुल त्रिपाठी ऊपर से लेकर नीचे तक वो सारी जगह खेल सकते हैं, नंबर छह तक भी खेल सकते हैं, तो उनके अंदर ये काबिलियत है। तो मेरे हिसाब से राहुल त्रिपाठी को लेना भी केकेआर के लिए कोई गलत फैसला नहीं होगा। अगर सस्ते में मिल जाते हैं, सही दाम में मिल जाते हैं, तो राहुल त्रिपाठी के पीछे भी दाव केकेआर लगा सकती है, केकेआर के लिए बढ़िया होगा, और केकेआर को जानते भी हैं, पहले केकेआर में खेले हुए भी हैं। उसके बाद में तेज गेंदबाजी के तौर पर मजबूत करने के लिए इंडियन गेंदबाज के तौर पर उमरान मलिक, खबर है कि सनराइजर्स हैदराबाद शायद उमरान मलिक को इस बार रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि उमरान मलिक ने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, जिस तरीके से 2022 में वो सनसनी बनकर आए थे, 2023 में वो पटाखा फुस नजर आया, उमरान मलिक से ज़्यादा गेंदबाजी भी नहीं करवाई गई, ज़्यादा मैचेज में खिलाया भी नहीं गया, एक दो मैचेज में शुरुआत में तीन चार मैचेज में खिलाए, जब से उनका एक ओवर पिटा उसके बाद से उमरान मलिक को ज़्यादा मौके भी नहीं दिए। तो खबर है कि उमरान मलिक को रिलीज किया जा सकता है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। अगर उमरान मलिक को रिलीज किया जा सकता है तो केकेआर उन्हें लपक सकती है, और अगर उमरान मलिक को लपक लिया तो देखिए अभी उनके करियर की शुरुआत है, अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। उमरान मलिक को अगर पकड़ लिया तो केकेआर के लिए भविष्य के तौर पर एक बहुत सॉलिड गेंदबाज केकेआर को मिल जाएगा, क्योंकि अभी अभी उमरान मलिक को जज करना बहुत गलत है, अभी उनके करियर की शुरुआत। उमरान मलिक आने वाले वक्त में बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं, जैसे उनकी रफ्तार है, जैसे उनकी उनके अंदर पोटेंशियल है, तो उमरान मलिक जैसे गेंदबाज को केकेआर पकड़ सकती है, उस जैसे गेंदबाज को बहुत सस्ते में मिल जाएगा, लोकी फर्गुसन जैसे गेंदबाज पर भरोसा नहीं जताना पड़ेगा, उमेश यादव को छोड़कर आप उमरान मलिक जैसे गेंदबाज को ले सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत कारगर साबित हो सकता है केकेआर के। देखिए इस बार केकेआर के लिए पिच भी उसी तरीके की, तेज गेंदबाजों को मदद थी, तो ऐसे में केकेआर के लिए उमरान मलिक जैसे गेंदबाज बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। उसके बाद में चेतन सकारिया, एक खबर है कि दिल्ली कैपिटल चेतन सकारिया को रिलीज कर सकती है, तो चेतन सकारिया भी नो डाउट भविष्य के बहुत अच्छे स्टार खिलाड़ी हैं, लेफ्ट हैंडर पेसर हैं, गेंद को स्विंग करते हैं, लहराते हैं, शुरुआत के पावर प्ले के अच्छे गेंदबाज, तो मेरे हिसाब देखिए जिस तरीके से राजस्थान ने संदीप शर्मा को पकड़ लिया, और संदीप शर्मा ने राजस्थान के लिए बहुत कमाल की गेंदबाजी की, गुजरात ने मोहित शर्मा को पकड़ लिया, मोहित शर्मा ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की, उसी तरीके के चेतन सकारिया है मेरे भाई, प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, टैलेंट बहुत है, लेकिन मौके उतने नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से केकेआर अगर चेतन सकारिया जैसे गेंदबाज को पकड़ ले तो मेरे हिसाब से बहुत कारगर साबित हो सकते हैं केकेआर के लिए चेतन सकारिया, यह एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। उसके बाद में कुलदीप यादव राजस्थान में है, आपको पता होगा कुलदीप यादव खेले हैं, एक दो मैचेस खेले हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी गेंदबाजी भी की है, खबर है कि राजस्थान कुलदीप यादव को इस बार रिलीज कर सकते हैं, तेज गेंदबाज है, तो कुलदीप यादव को भी पकड़ सकती है केकेआर, अच्छे गेंदबाज है, भविष्य के तौर पर आप उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। एक मैच खेले मैंने देखा, कमाल का प्रदर्शन कुलदीप यादव ने किया, तो आप इंडियन खिलाड़ियों के ऊपर जितना ज्यादा जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, विदेशी खिलाड़ियों पर आप भरोसा मत करिए, विदेशी खिलाड़ी धोखा देकर चले जाते हैं। जिस टीम के पास इंडियन खिलाड़ी मजबूत है, आप जितनी भी चैंपियन टीमें हैं उन सभी चैंपियन टीमों को आप उठाकर देख लीजिए, जिन जिस टीमों के पास इंडियन खिलाड़ी मजबूत है वो टीम मजबूत है, वो टीम चैंपियन है। आप गुजरात को ले लीजिए, चेन्नई को ले लीजिए, मुंबई को ले लीजिए, तमाम टीमों के पास इंडियन कोर बहुत मजबूत है। उसके बाद में मोहम्मद नबी, देखिए आपके पास राशिद खान नहीं है, आपके पास सुनील नरेन बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, शाकिब उल हसन आपके लिए आए नहीं, तो आपको अगर एक विदेशी स्पिनर चाहिए जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सके तो आप नबी के ऊपर भरोसा जता सकते हैं। नबी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आईपीएल खेलने का तजुर्बा है, सनराइजर्स हैदराबाद में खेल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, अफगानिस्तान के स्पिनर्स विकेट टेकर होते हैं। आप अभी देख लीजिए, नूर अहमद को देख लीजिए, राशिद खान को देख लीजिए, उसके बाद में बहुत बेहतर स्पिनर्स अफगानिस्तान के होते हैं, अफगानिस्तान के पास एक नेचुरल टैलेंट होता है स्पिन का, तो आपके लिए नबी जो है ना वो काम कर सकते हैं, नबी आपके लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में कमाल कर सकते हैं। विदेशी खिलाड़ी के तौर पर आप नबी के ऊपर फैसला ले सकते हैं, नबी को आप अपनी टीम में खिला सकते हैं, ये केकेआर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद में यश दयाल, खबर है कि शायद
गुजरात टाइटंस यश दयाल को रिलीज कर सकती है। हालांकि यश दयाल ने गेंदबाजी अच्छी की है, बस केवल उसे एक ओवर को छोड़ दें तो यश दयाल ने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन खबर है कि शायद यश दयाल को रिलीज किया जा सकता है इस बार। तो अगर यश दयाल को रिलीज किया जा सकता है तो फिर केकेआर यश दयाल को पकड़ सकती है। यश दयाल गेंदबाज बुरे नहीं है, बहुत अच्छे गेंदबाज है, बहुत टैलेंटेड गेंदबाज है, बहुत कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है, बहुत बेहतर। और सबसे बड़ी बात क्या, डेथ ओवर के अच्छे गेंदबाज है वो, तो सबसे बड़ी बात क्या, उस दिन खराब था। देखिए वो कोई भी गेंदबाज हो सकता है, आप किसी भी गेंदबाज के ऊपर, स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के युवराज सिंह ने मार दिए थे, लेकिन उसके बाद में स्टुअर्ट ब्रॉड कितने महान गेंदबाज बने। तो यश दयाल को आप गलत मत समझिएगा, यश दयाल बहुत अच्छे टैलेंटेड गेंदबाज है। अगर यश दयाल को गुजरात रिलीज करती है तो केकेआर उनको टारगेट कर सकती है, यश दयाल के बारे में केकेआर सोच सकती है, ये एक केकेआर के लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये 11 वो खिलाड़ी मैंने बताए हैं जिन 11 खिलाड़ियों पर केकेआर दाव लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से केकेआर के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा, ये मैंने मोस्टली इन खिलाड़ियों में इंडियन रखे हैं, इंडियन कोर अगर केकेआर के पास मजबूत हो जाएगा तो केकेआर की टीम मजबूत हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और केकेआर के पास ओपनर से लेकर ऑलराउंडर और तेज गेंदबाज मैंने सभी यहां पर इस लिस्ट में रखे हैं, और इन्हीं खिलाड़ियों की केकेआर को जरूरत भी है। तो आपका इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, कौन से खिलाड़ी का लेना आपको हिसाब से फायदेमंद साबित हो सकता है, अपने 5 खिलाड़ी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट अब हम आप लोगों को हर टीम के देते रहेंगे। आईपीएल खत्म हो चुका है, अब आपको अपडेट देते रहेंगे किस 2024 के लिए कौन सी टीम का क्या टारगेट होगी, किन खिलाड़ियों को छोड़ा जाएगा, तमाम अपडेट हर टीम का मैं आप लोगों को दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।